हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी डिलाइट। और आज मैं आप लोगों के लिए सूजी केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो रेसिपी बहुत इजी है, इसमें आपको अवन की ज़रूरत नहीं है, एग की ज़रूरत नहीं है और किसी भी फैंसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। घर में ही अवेलेबल चीज़ों से आप बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ईजी है, पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक हम ब्लेंडर जार लेंगे और उसमें मैं 2 कप सूजी डाल दे रही हूँ। कोई सा भी आप सूजी ले सकते हैं, फाइन या मोटा, वैसे भी हमें इसको ब्लेंड करना है। और इसमें मैं 2 कप मिल्क डाल दूँगी और आपको इसको 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमारा एक पोरिंग कंसिस्टेंसी का रेडी है बैटर। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ 1/2 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको भी आपको ऑयल के मिक्स होने तक ब्लेंड करना है इसी ब्लेंडर में। तो ये देखिए, ये इसका बेक हमें अच्छा सा स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेना है। ये देखिए हमारा ये बैटर रेडी है और बहुत अच्छा ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो ये अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें आपको सारे इंग्रेडिएंट को आपको मिक्स करने हैं। तो इसको मैं मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ये देखिए, और ये कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी गाढ़ी है तो हम इसे 30 मिनट का रेस्ट देंगे, क्योंकि सूजी थोड़ी सी राइज होती है, थोड़ी सी फूलती है। हम एक कढ़ाई को रेडी कर लेंगे ग्रीस करके। तो इसमें मैंने ऑयल और बटर पेपर लगा दिया है और इसको आप ग्रीस करके अलग रख लीजिए बस। और ये आफ्टर 30 मिनट, ये देखिए हमारी जो बैटर है वो रेडी है। तो इसमें हल्का सा आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून आपको बेकिंग सोडा डालना है। इन सारे इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से इसको अच्छे से छलनी से आप छान लीजिए ताकि सारी इंप्यूरिटीज़ निकल जाए और हमारा फाइन पाउडर मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें शुगर डालेंगे। तो आपको शुगर को थोड़ा ब्लेंडर में इसको पीस कर डालना है। तो मैंने इसका फाइन पाउडर रेडी कर लिया है और अब मैं इसको बैटर में डाल के मिक्स कर रही हूँ। आपको एक डायरेक्शन में ही अपने बैटर को मिक्स करना है, अदरवाइज़ केक बहुत हार्ड बन जाएगा। इसका आप ख्याल रखिए। हमने यहाँ पे दही वगैरह कुछ नहीं डाली है। तो मैं बटर मिल्क रेडी कर रही हूँ। तो मैंने 2 to 3 टेबलस्पून मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर पे और उसमें मैं 1 टेबलस्पून लेमन डाल दूँगी। ये देखिए हमारा बटर मिल्क रेडी है। ये अगर आपके पास दही नहीं है तो इस टिप का यूज़ करके आप बहुत ही केक को फ्लफ़ी और बहुत मॉइस्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अपने बैटर में। और ये वाला जो बटर मिल्क है, आप मैदे का अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए सूजी केक के लिए। बस ये रेडी है। इसमें हम वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए या नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी एक केक बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, ये फाइनल हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब चाहो तो आप इसमें ड्राई नट्स डाल सकते हो, या अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो उसको भी आप डाल दीजिए। तो ये डालने के बाद आपको मिक्स करके इसको ग्रीस, जो कढ़ाई आपने नॉनस्टिक कढ़ाई आपको लेनी है, थोड़ी मोटी उसकी बॉटम होनी चाहिए, वैसा आपको लेना है, क्योंकि इसको डायरेक्टली हम गैस में बना रहे हैं। तो आप इसका ख्याल रखिए। अगर आपके पास बहुत मोटा बॉटम वाला अगर नहीं है पैन, तो आप अपने जो गैस के नीचे आप तवा रख दीजिए लोहे का, जिसमें आप रोटी बनाते हैं, और उसके ऊपर आपको ये कढ़ाई रख देनी है, कवर कर देना है। तो ये देखिए, और आपको फ्लेम एकदम लो रखना है। जो आपका सबसे छोटा बर्नर है उसमें हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, और आपको फ्लेम को एकदम लो करके इसको 20 to 25 मिनट के लिए बेक करना है। ये देखिए, जो नोज़ल ऊपर में जो होल है उसको आप कवर कर दीजिए एक पेपर से, और अब इसको कवर करके आप इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करने रख दीजिए लो फ्लेम में। तो ये देखिए, आफ्टर 25 मिनट मैं इसको चेक कर रही हूँ नाइफ से। ये देखिए हमारा केक कितना फ्लफ़ी और कितना अच्छे से राइज हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा केक, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही फ्लफ़ी।
तो ये हमारा केक ठंडा हो गया है, तो इसको मैं स्क्रेप करके एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हमारा केक बन के रेडी है। लग नहीं रहा है कि ये अवन या किसी भी तरह से माइक्रोवेव में बन के निकला है। तो एक सूजी केक रेडी है, मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट केक रेडी है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी।